एक सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब। तो गाइस आपको भी शक हो रहा होगा लड़की के लड़के के, तो आपका सबूत दिखाते हैं। चलो ये लड़की रस्सी है, फीमेल रस्सी है, ये कैसे पता चलता है? जो इसका ये छेद है वो सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाँव से, सीधे रांची गाँव से, बिकॉज आज मैं सुबह सुबह आया था। उसके बाद आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे रस्सी, क्योंकि ये रस्सी इसलिए है क्योंकि हम अभी जा रहे हैं जो लुट्टा वाला घास होता है ना, यानी कि पुराना घास सूखा हुआ जो लुट्टे से बनाया होता है, तो पुराना घास होता है वो लेने जा रहे हैं मैं और मेरा भाई। तो जसवंत भी आ रखा है साथ में, वो तो खाली ऐसे आया है, बट घास लेने अनु और मैं जा रहे हैं। दो रस्सी, पहली बार मैं रस्सी में ला रहा हूँ, तो देखता हूँ कैसा होता है। सिर में मतलब करके लाना पड़ता ना पहली बार। तो कैसी है पूर्णिमा और काजल, मधुली और अनुबॉय और जसवंत। सो गाइस हम आ गए हैं गांव के लुक में, तो गले में है रस्सी और साथ में भाई लोग। तो हम जा रहे हैं अभी लुट्टों में से घास लाने, जो पुराना घास हमने रखा होता है ना, पहले जब घास का सीजन होता है उस समय काट के फिर लुट्टो बनाना पड़ता है, जिस सीजन में नहीं होता उस सीजन में गाय बछड़ियों को देने के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लुट्टो लेने, तो देखते हैं कितना कितना लुट्टो लाते हैं हम। और साथ में सीजर भी आया, सीजर आया है, ये लड़का है, मैंने आपको दिखाया नहीं उस लड़का है कि लड़के है, बट लड़का है लड़का, और सीजर नाम मैंने रखा उसका, पता ही होगा आपको। तो गाइस अभी दिखाते हैं आपको लुट्टो के पास पहुंच के, और लुट्टो भी दिखाते हैं, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। सो गाइस तो लग रहा है, बट क्या करें, आना तो पड़ेगा व्लॉग में कुछ एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। पता चल रहा है जा रहा हूँ मैं, काट ही नहीं रहा। अबे वो फाइनली पहुंच गया, गिरा नहीं मैं। तो हेलो गाइस, तो गाइस ये है लुट्टो और ये आधा है। अभी अनु वहाँ से घास निकालते, जो पुराना घास होता है इसको ही कहते हैं। तो अभी इसमें से क्या कर रहे हैं सीजर, क्या कर रहे हैं मतलब, ये देखें ये एक पुल्ला हुआ है, एक पुल्ला, तो दस या फिर 15 पुल्ला ले जा सकते हैं बस, अभी चार हुए हैं, अभी ये 10 पुल्ला ले जाएगा और मैं 10 पुल्ला ले जाऊंगा फिर जसवंत वीडियो बना देगा हमारा। तू बना है, मैं वहां से फेंकता हूँ, ला बना लाला मैं ही बना दूंगा, ला मैं फेंकता हूँ। बैलेंस कैसे होगा वो? इनको आया गुस्सा, अपने छोटे भाई के ऊपर बुलाया और यहाँ पे भुजा बनाना पटाया। मैं बनाता है कह रहे, फिर पता नहीं मुझे आता है, सब आता है मुझे, मल्टी टैलेंटेड बॉय कहते हैं मेरे को, मल्टी टैलेंटेड बॉय, मैं हर काम कर लेता हूँ। पहले इसका बनाया हुआ पुला बिगाड़ो। सबसे पहली बात जो तुम्हारा रस्सी हो है, वो लड़की रस्सी है या लड़का रस्सी, ये देखना हुआ, मेल है फीमेल है ये देखना हुआ। हाँ ये लड़की रस्सी है, फीमेल रस्सी है, ये कैसे पता चलता है? जो इसका ये छेद है वो ज्यादा बड़ा है। क्या बोला तूने? क्योंकि लड़की रस्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसी ऐसा इसके अंदर हाथ डाल के हम इसको दोनों निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको लड़की रस्सी कहते हैं। और लड़की रस्सी को पहले प्यार से लिटाओ, फेंक के हम लड़की रस्सी को लिटा सकते हैं, लड़की है नाजुक होती है, तो इसको प्यार से लिटाओ। बात तो सही है। और ये बनाओ प्यार से, नीचे प्यार से लिटाया, फिर अपने पुले को पकड़ो, ये पुला, पुले के बच्चे, ये पुले को बराबर रखना है गाइस, जो रस्सी है और ये पुला, पुला जहाँ बांध रखे वो रस्सी के ठीक साथ में आना चाहिए। फिर उसके बाद ये अगर हमने इस रस्सी को यहाँ पे ला दिया, इसके बीच में ला दिया, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, इसको बैलेंस के लिए इसके बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, लाइक करो सब्सक्राइब करो, करते भी रहो। और ये है पुला, एक के ऊपर एक होना चाहिए।
गाइस तो ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई और मैं सबसे छोटा भाई, जिस कारण इन दोनों को ही बोकना पड़ रहा है बोझा। देखिए गाइस रेडी। अब मैं तो सिंपल है मेरा, गीला में बहुत भारी हो रहा था आप तो। अबे दिखा दो कैसा है उठा रखो पूरी। बोला तो बनाता है क्या गाइस, ये बोझा नहीं है। अब हाली मुझे देख दो। नदी ले जाना फिर वे लेंगे। बोझा देखा तुमको जब से देखा तुमको यार, मैंने कैमरा मैन अच्छा रख गया यार, सीधे मतलब चलते फिरते भी ऐसा कैमरा मैन होना चाहिए यार। तो ये है गांव का ताजा और शुद्ध पानी। सो गाइस बहुत पसीना पसीना हो गए हम, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है। आशीर्वाद बेबी, अरे ये तो बेबा है ना, बेबा इसको देख के छोटी छोटी ऐसा लगता है लड़की है, लड़की है लगता है। तो गाइस आपको भी शक हो रहा होगा लड़की के लड़के करके, तो आपका सबूत दिखाते हैं। चलो बेटा बैठ बैठ नीचे बैठ बैठ नीचे बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ ना, तो दिखाते एक बार सबूत। लड़का है लड़का है लड़का है यार, ये तो डरा दिया लड़का है। अभी सीधे कैसा गुस्सा आता, सीधे यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये देखिए ये इसका गुस्सा आता है, इसका गुस्सा हट नहीं कहा था, खाली गुस्सा आता है इसका। तो भाई गुस्सा आ रहा है इसको, तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, कमेंट शेयर इसमें एक सब्सक्राइब तो होना चाहिए, एक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैसे कर दो सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब हो गया। तो गाइस फिर दोबारा जा रहे हैं हम अभी, बट इस बार हम पेड़ में से वो काटने जा रहे हैं मतलब घास। तो गाइस अभी हम पेड़ के डालियां काटने जा रहे हैं, यानी कि घास पेड़ वाला घास। तो अभी हम साथ में डोगा होगा भी लेके जा रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं डोगा। तो गाइस ये है डोगा और अनु,
तो अब ये जाएगा इस पेड़ में। वैसे तो आधा तो पापा ने काट लिया है, बाकी ये जितने बचे हैं सब काटने हैं, तो देखते हैं कितना काट पाते हैं हम। मैंने तो नहीं काटना, यही काटेगा। हाथ में देखिए क्या है, बढ़िया। सीधे इधर इधर सीधे तो गाइस हम बोझा लेके आ गए हैं। ये है मेरा बोझा जो कि डोगे में लेके आया मैं, और अनु रस्सी में वो लेके जा रहे हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं धारचूला, तो खाना भी वही खाएंगे दिन का, यहाँ नहीं खा रहे क्योंकि हम धारचूला जा रहे हैं। तो अनु अंदर है, सीजर को बुला रहे हैं अंदर। ये अंदर फंसती नहीं फंसती, देखते हैं ये अंदर जा रहे हैं। अंदर बंद करेंगे इसको, फिर जाएंगे हम लोग। तो इसको आजकल समझ आ रहा है कि अंदर बंद कर रहे हैं मुझे करके, तो वहाँ बैठ गई है चुपचाप से। देखिए अभी भी अंदर बुलाएगा अनु, या फिर नहीं आएगी तो इसको लेके जाएगा। ये कुत्ता आ रही है, समझ गई। अब इसको पकड़ के लेके जा रहे, क्योंकि ये समझ गई ना हमें, मुझे अंदर डाला जा रहा है और मुझे बंद किया जा रहा है। बस चल। सो गाइस मेरे लिए तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, मुझे बहुत गर्म होता है, तो मैंने जैकेट उतार दिया है। तो अभी नीचे जाते वक्त गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ, बिकॉज इसने डालिया काटे तो इसका हाथ थोड़ा दर्द हो रहा है, तो यहाँ से नीचे मैं चलाने वाला हूँ गाड़ी। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ, तो गाड़ी तो मैंने चलाया, बट गाइस बहुत थक गया हूँ मैं, और हमने काम भी आज बहुत किया, बहुत ही थक गए हैं। तो हमने खाना वाना भी खा लिया था। तो गाइस आपको पता होगा, इससे पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं जाने वाला हूँ डीडी हाट, बट मैंने कॉल किया और मैंने पूछा आओ कि नहीं आओ, उन्होंने कहा कि, यानी मेरी मैडम जी ने कहा मैं कल या परसों आ रही हूँ, तो क्या आते हो, तो ठीक है मैं भी नहीं गया। तो गाइस तो इस ब्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा फैला दो। गाइस इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा फैला दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कर सकते हो करो ब्लॉग के साथ। तो गाइस ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।